अब अधिकारों की मिलीभगतों की, वरना एक लेखपाल की क्या हिम्मत है कि पैसे लेके भी और रिपोर्ट गलत लगा रहे हैं। सब कुछ इनके हाथ में, पेपर्स इनके हाथ में, रिकॉर्ड इनके हाथ में। हमने कहा अगर हमने अतिक्रमण किया है आप जाके तोड़ दीजिए उसे, अगर अतिक्रमण होगा तो तोड़ेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वहाँ टेंट लगाया, टेंट लगाने के बाद फिर क्या है वहाँ भी भगाना चालू किया। यहाँ तो सीओ साहब कमाऊ कूत जो है, देसी में गांव में कहावत है कि कमाऊ कूत को कोई छोड़ना नहीं चाहता। आखिर क्यों यहाँ के सीओ जो है इन भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रांसफर हो चुका उन्हें क्यों रिलीव नहीं करते यहाँ से? शह क्या है? शह कुछ नहीं होती, मॉनिटरी मनी है, कोई शह नहीं है। क्लियर कट बोल रहे हैं, पैसे लेता है, भ्रष्टाचार करता है। वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी, आज हम यहां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि किसानों की लगातार समस्याएं आ रही थी। समस्या ये कि यहां पर जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी से लेकर नीचे तबके के अधिकारी तक पूरे भ्रष्टाचार में लीन है। इस बाबत हमने एक ट्वीट भी किया था कि यहाँ पर जो लेखपाल हैं, जो एसटी हैं, वो रिश्वत मांग रहे हैं किसानों से। इस ट्वीट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर हमने रीट्वीट किया और रीट्वीट करके कुछ ऑडियो भी हमने उसमें अटैच किए, जो कि एक पटवारी और पीड़ित किसान के बीच का ऑडियो, जिसमें धन उगाही की बात हो रही है। किसान कह रहा है कि उन्होंने पैसा दे दिया है, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। जब इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अथॉरिटी में आज कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या उनकी बनी हुई है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात यहां पर योगी सरकार करती है और योगी सरकार में इस तरह से नोएडा में अधिकारियों के नाक के नीचे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरह का धन उगाही का खेल खेल रहे हैं। जो ट्रांसफर है, जिनको रिलीज किया जाना है, उसके बावजूद भी उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, जानेंगे खुद उन किसानों से जो इस समस्या से लगातार बने हुए हैं, इस समस्या को देख रहे हैं, समस्या को झेल रहे हैं। आइए चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है और काफ़ी दिन से मैं सेक्टर 6 के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा सन 2011 में जो मैंने कृषि श्रेणी के जो प्लॉट निकले थे उसमें अप्लाई किया था और मेरा जो प्लॉट है मेरी मदर का, मदर भी साथ में है, बेटा है, मदर साथ में है, तो वो 13 फरवरी को ये ड्रॉ हुआ था 2021 में, जिसमें कि हमारा प्लॉट निकल गया था और वो 209 नंबर पे वो है। लेकिन उसके बाद जब प्लॉट नंबर का ड्रॉ होना था तो उस वक्त जो है उसका नाम हटा दिया गया, उसमें कहा कि आपका अतिक्रमण है। हमारा कोई अतिक्रमण ना था ना है। मैं ये बात कई बार सीओ साहब से भी मिल चुका हूँ, ऋतु माहेश्वरी जी से, उसके बाद किसी एसीओ, ओएसडी, इस अथॉरिटी में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिससे मैंने जाके अपनी व्यथा नहीं कही। तो अथॉरिटी में जब आपने अपनी परेशानी बताई, अपनी समस्या बताई, तो क्या जवाब आया अथॉरिटी की तरफ से? हमेशा एक ही जवाब आते कि जांच करवा रहे हैं, वो जांच अभी तक तो पूरी हुई नहीं है। अब तो सीओ भी बदल गए, सीओ भी बदल गए, दूसरे सीओ आए, उन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि ठीक है आप मिलिए, हम इसकी जांच कराते हैं। उनसे तो मैं अभी मिला, उनके लिए मैं कुछ कहूँ, उनसे मेरा बेटा आके मिला एक बार और इसके लिए मैंने रिश्वत भी दी है। हालांकि मैं, मेरा रिश्वत देने का कोई मतलब, क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ, मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, मैं एक ही प्लॉट निकला है, मैंने ये चीज़ उसमें भी, मेरे ये कागज़ अगर आप देखें, मैंने कितने बार ये एप्लीकेशन जो दी है, ये मैडम सीओ को दी थी, उसके बाद ये एप्लीकेशन तो बहुत है पर इस वक्त मैं सिर्फ 2 ही लेके आया हूँ और ये है जो हम पे लगाया गया है कि आपका इससे पहले प्लॉट निकल गया है और आपने अतिक्रमण कर रखा है। ये झूठ एक एक ठीक है। तो जब आपका प्लॉट निकला और उसके बाद जो अतिक्रमण की बात सामने आ रही है, धन उगाही कौन कर रहा है, कौन रिश्वत मांग रहा है? अब ये तो सब अधिकारियों की मिलीभगतों की, वरना एक लेखपाल की क्या हिम्मत है कि पैसे लेके भी और रिपोर्ट गलत लगा रहे हैं। और ये नहीं, उसकी याचना भी की है कितने बार। देखिए मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहाँ से मुझे छुट्टी तक नहीं मिलती, बड़े मुश्किल से छुट्टी। आज भी मैं अभी 2 घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से, कि भाई मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इसी तरह मैं छुट्टी लेता हूँ और आके मिलता हूँ और 2 साल हो गए मेरे को, मेरे पास सारे वो भी सबूत पड़े हुए हैं जिस जिस अधिकारी से मिलता हूँ, उनके अभी भी मेरे पास हैं।
लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता। बस ये बोल दिया, जो जो मैंने पैसे दिए हैं उसके लिए मैंने ऑडियो भी, और मेरे पास और भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, पैसे तो मैंने काफ़ी दिए हैं, और अभी मैं उस बात के कोई सबूत तो उन्होंने अपने मुँह से कबूल किया उन्होंने। बाकी मैंने, मेरे पास डायरी है जिसमें लिखा हुआ है, मैं अपने घर के जो खर्चे होते हैं मंथली वो सब लिखता हूँ, उसमें क्लियर कट लिखा है। अभी मैं लेखपाल की बात कर रहा हूँ केवल। लेखपाल का नाम बता सकते हैं आप? मजबूर कर दिया ना उन्होंने मेरे बोलने को, मनोज सिंघल है, मनोज सिंघल नाम है लेखपाल। उसके बाद देखिए बाकी भी लेखपाल मेरे पास बहुत काम के लिए आए, और कितने लोग आए, आई केयर आते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं वहाँ तो जब अपना काम होता है, लेकिन यहाँ वो तो सकल भी पहचानने को तैयार नहीं है। दूसरे पटवारी ने भी जाके शायद कोई वो रिपोर्ट मुझे तो आज तक दिखाई नहीं है, फाइल में हुआ क्या है, पर बताते यही है कि जाँच चल रही है, लेकिन 2 साल हो गए मेरे को, अभी तक कोई प्लॉट नंबर मिला नहीं है मेरे को। ठीक है, आपके बेटे भी आपके साथ मौजूद है ना, आप भी आए थे अथॉरिटी में बात करने के लिए, किस तरह का आश्वासन मिला है? कोई उम्मीद लग रही है कि सीईओ चेंज हुए हैं, शायद अधिकारी जो है, जो भ्रष्ट अधिकारी, उन पर एक्शन हो, ट्रांसफर की बात भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नजर तो नहीं आ रहा। मैम जिस प्रकार से 2 साल से हम आ रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ कह देने से कि सब हो जाएगा, हम जांच कर रहे हैं, जांच करने में मैम इतना समय नहीं लगता, सब कुछ इनके हाथ में है, पेपर्स इनके हाथ में, रिकॉर्ड इनके हाथ में। हमने कहा अगर हमने अतिक्रमण किया है आप जाके तोड़ दीजिए उसे, अगर अतिक्रमण होगा तो तोड़ेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको भी नहीं तोड़ रहे हैं, चार साल आप समझिए कि 2011 में, 2007 में और 2016 में 3 बार नोटिस गए हैं, फाइनल नोटिस डिमोल्यूशन के, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं तोड़ा, लेकिन दूसरों पे ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अंडर ट्रांसफ़र बैठे हैं यहाँ पे अविनाश त्रिपाठी जी, उनके नाक के नीचे सब हो रहा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा उनका पटवारी क्या कर रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो लेखपाल है सबकी मिली भगत है और मिली भगत से ही सारी चीज़ें? बिल्कुल, एक लेखपाल, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, छोटी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी में, इतने सारे अधिकारियों में रह करके अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। अम्मा जिस तरह से आपके बेटे, आपके पोते जो है इस तरह से परेशान है, बार बार अथॉरिटी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? क्या खुद मैं ही परेशान नहीं हूँ? कितनी बार उन लोगों से कहिए, भाई मैं बूढ़ी हूँ नहीं आ सकती हूँ, मेहरबानी करो, हो जाएगा माँ जी, हो जाएगा, जाओ करेंगे करेंगे, कोई कुछ तो करता तो है नहीं। बार बार मैं भी तो आते आते थकी, चलना बस की भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स से चला भी नहीं जाता, कोई नहीं सुनता, यहाँ तो अंधे की भीड़ हुई है, सबकी पट्टी बनी हुई। जो अंदर साहब बैठे हैं सीओ साहब, उनसे मुलाकात हुई आपकी? एक बार हुई है उनसे भी हुई है, दोबारा नहीं हुई, लेकिन पहले हैं ऋतु महेश्वरी जो पहले सीओ थी, कितनी बार मिले थे उसकी तो कोई गिनती नहीं है, बस यही कह देती, हाथ जोड़ के भी ये कहती, देखो मैडम साहब मेरे बस के आना जान, हो जाएगा माता जी, सुनाई करेंगे, एक दो बार तक कड़क बोली थी कि कागज ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फिर रड़ा मड़ा होगा, हाँ तो कोई बात सुनाई नहीं होती। एक बार बोला था क्यों नहीं, एक एक झूठे कागज, झूठे कागज है, देखो कोई पहले आके लिख गया तो झूठा कैसे लिखेगा, अब मैं जाके कुछ लिख जाऊँ तुम बोलोगे नहीं लिख के गई, ढूंढो, बस एक बार उठते हैं फिर वो ही बात वहीं डूब जाती है, जैसे कि बाल्टी पानी में डूब गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक परिवार जो है पूरा परेशान है, 3 पीढ़ियां यहाँ पे मौजूद है, 3 पीढ़ियां लगातार गुहार लगा रही है कि इनकी जो समस्या है उसका समाधान निकल सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से इन लोगों का काम नहीं हो पा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, किस किस की समस्या है, क्या है? सर आपका नाम बताइए। राजेश सिन्हा। आपकी क्या समस्या है, क्यों अथॉरिटी में मौजूद हैं आप? मैं एक्चुअली गढ़ी चौखंडी में हमारा मकान था, सबसे पहले बहलोलपुर में था हमारा, बहलोलपुर और गढ़ी चौखंडी दोनों सटा हुआ है, वहाँ हमारा तोड़ दिया हाईवे बनाने के चक्कर में, FNG हाईवे जो है उसको बनाने के चक्कर में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हम कोर्ट गए। आप भी किसान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? जी किसान फैमिली से ताल्लुक रखते हमने, हाँ नहीं फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते हैं किसान, हम झारखंड के रहने वाले हैं, और हमने किसान की चैन से जो है ज़मीन लिया था, ज़मीन लेकर के मकान बना के वहाँ रह रहे थे बहलोलपुर के खसरा संख्या 293 में, अब वहाँ तोड़ दिया, उसके पहले नोटिस दिया, हम कोर्ट भी गए, कोर्ट के माध्यम से उन्होंने ज़मीन जो दिया 40-40 मीटर देकर बैठा दिया, किसी को 20 मीटर दिया उसको कब्जा 40 मीटर, एक ऐसा आदमी है जिसका ज़मीन ही नहीं गया और उसको 40 मीटर कब्जा दे दिया है, उसका भी पेपर हमारे पास है। और ये किसके कहने पे हो रहा है, कौन है ऐसा जो इस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहा है? पहले मैम जब तोड़ने हम नहीं दे रहे थे उस वक्त संजय मिश्रा नायब तहसीलदार थे, संगम लाल यादव थे, और ये पटवारी मुकुल पटवारी था, और ये मनोज पटवारी। मैं जब तोड़ रहा था तब हमें माँ बहन की गालियाँ दिया संजय मिश्रा नायब तहसीलदार ने, धमकी भी दिया कि मतलब साले माँ बहन जो होता है सारी गालियाँ, बच्चे भी हैं यहाँ सामने आपके सामने, मैं नहीं बोल सकता, इतनी गालियाँ दिया, गाली देते हुए बच्चों को, इतने छोटे छोटे थे ये, और सबको बेघर कर दिया। अब बेघर करने के बाद
तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहाँ टेंट लगाया, टेंट लगाने के बाद फिर क्या है, वहाँ भी भगाना चालू किया, विरोध करने के बाद ग्रीन बेल्ट में बिठाया, खसरा संख्या 11 गढ़ी चुखंडी का, उसमें बिठाया 40-40 मीटर दे करके। अब 40 मीटर देने के बाद मौखिक कब्जा दिया। एक अधिकारी मुझे मौखिक कब्जा क्यों देगा, क्या मतलब है? कहीं तो आप आए यहाँ शिकायत करने के लिए, आप बहुत पहले से भी 2014 से आ रहा हूँ, मुझे कब्जा प्रमाण पत्र दो, मैं अपने तरीके से मकान बनाऊंगा। पहले मेरा रजिस्ट्री था, मोटेशन था, सब कुछ था, मैं किसान की चैन से ज़मीन खरीदा था। अब ये धमकी देते हैं, माँ बहन की धमकियाँ दिया था मैं कुछ नहीं। उसके बाद हम जब आके मांगने लगे यहाँ पर तो मुझे पिटवा दिया। अब पीटने वाला रामभूल यादव का बेटा भूरा यादव ने मुझे मारा है, और मंगल यादव, लिटिल यादव, राहुल यादव ने मारा। आज तक मैं NCR कोर्ट में चल रही है, केस चल रहा है, NCR लगा दिया पुलिस वालों ने, FIR नहीं किया। अब पहले मुझे पता भी नहीं था कि FIR क्या होता है, NCR क्या होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज हुआ वैसे वैसे पता चला, उल्टा मुझे धमकी उमकी देकर उसका कुछ नहीं कर सकता। तो आज आप आए हैं अथॉरिटी, आज आप अथॉरिटी आए हैं, तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला है, क्या जवाब मिला है? मैं बार बार आ रहा हूँ प्लॉट नंबर के लिए, ये देते नहीं है। मैं लक्ष्मी सिंह मैडम के पास भी गया हूँ, अपनी सारी बातें रखा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है मैडम, उनको अपने पत्र भी दिखाए हैं। उन्होंने, मैडम ने हमारी पूरी बात सुन करके इनको लेटर भी दिया हुआ है, लेकिन उस लेटर को ठंडे बस्ते में लेकर रखे हुए हैं मनोज पटवारी। सारा ये जो खेल खेला जा रहा है वो मनोज सिंघल जो कि लेखपाल है उनके द्वारा पूरा खेल खेला जा रहा है। कहता है कि लखनऊ में मेरा आदमी सचिव है, मेरा कोई भी नहीं कुछ उखाड़ सकता है, कुछ भी कर लो। खुली बात अपने कैबिन में मुझे ये बात बोला था कि लखनऊ में मेरा आदमी, वाकई में मैं इतनी बार हो गया हूँ यहाँ पर, मैं धरना भी दिया, मैं यहाँ तक लिख के दे दिया हूँ, CO को भी लिख के दे दिया हूँ कि घूट घूट कर जीने से अच्छा है कि अंतिम विकल्प करेंगे हम आत्मदाह, लिख करके भी दिए हुए, हम यहाँ धरना भी दिए, हमारे बच्चे भी धरना दिए और मैडम को भी दिए हुए हैं, और चौकी इंचार्ज जो है यहाँ पर दबाव में जो हमको हटाया यहाँ पर कि धरना मत करो, हम लोग मदद करेंगे, उन लोग भी कोशिश किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश किए होंगे। एक पुलिस वाला अगर कुछ कह रहा है, आश्वासन दे रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन वो इन अफसरों से बहुत नीचे है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाते, उनके उस रिछा में लगे रहते हैं। अब देखिए, हमने जो धरना दिया था उसके कागज, हमारी मिसेज बीमार है, हमें इतना मारा गया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, अभी तक इलाज चल रहा है उनका। तो आप देख सकते हैं ये धरने के वक्त की तस्वीरें हैं, मासूम बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे प्लॉट नंबर और साइट प्लान दे दो, हम अपना बेचें या बनाएं या कुछ भी करें, हम यहाँ कोई दूसरी जगह रहें, क्योंकि मुझे वहाँ मारपीट हुआ है, तो वहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल है। ये मासूम बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, दो बच्चियां हैं और ये परेशानी है और लगातार चक्कर इनके पिताजी लगा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपके पिता और आप यहाँ क्यों आए? हाँ, क्यों आए आप? क्योंकि हमें हमें गलत जगह घर दिया है और हमारा कोई घर नहीं है, तो हम अपना मतलब प्लॉट नंबर, जमीन दिया है, हम अपना प्लॉट नंबर मांगने आए हैं। तो आपको लगता है कि योगी सरकार, हमेशा से ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरा प्रदेश बनाएगी और जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर एक्शन लेगी, तो उम्मीद है योगी जी से? नहीं, वो अच्छे हैं, मुझे पता है उनके मतलब, लेकिन उनके रहते ये सब कैसे हो रहा है? सवाल ये है कि उनके रहते ये कैसे हो रहा है कि उनका इतना सुना है कि उनके रहते ऐसा कुछ हो नहीं सकता, किसी के साथ इंसाफ नाइंसाफी नहीं हो सकती, तो हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? आपको पता है बेटा क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, हमारी ज़मीन नहीं है और वो भूखंड संख्या मांगने के लिए आए हैं। आप सोचिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमें नहीं मिली है, वही ज़मीन लेने के लिए हम आए हैं। योगी सरकार पर भरोसा है, लेकिन सवाल भी है छोटे से बच्चों का कि आखिर योगी सरकार में ऐसा हो कैसे सकता है? कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन से। सर, ये समस्या किसानों की है, कुछ ऐसे लोगों की है जो अपनी ज़मीन के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से आप आवाज़ बनेंगे इनकी? मैम, आवाज़ बनेंगे, हम निरंतर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें लिखित में जवाब मिलते हैं, लेकिन जो लिखे हुए कागज होते हैं वो केवल लिखे हुए रह जाते हैं, किसान हित में कोई कार्य ही नहीं होता। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने अधिकारी हैं, चाहे लेखपाल हो, JE हो, उन लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद भी यहाँ जो CO बैठे हुए हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करते, यहाँ से रिलीव नहीं करते। आखिर ये कैसी उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रांसफ़र नीति है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम जो है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें हटा देंगे, उन्हें रिलीव पर भेज देंगे, लेकिन यहाँ तो CO साहब कमाऊ पूत जो हैं
देसी में गांव में कहावत है कि कमाऊ पूत को कोई छोड़ना नहीं चाहता, आखिर क्यों यहां के सीओ जो हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रांसफर हो चुका है उन्हें क्यों रिलीव नहीं करते, यहां से क्यों नहीं भेजा जाता, इनके अंदर से डर खत्म है बिल्कुल भी। आप एक लेखपाल के यहां जाइए, एप्लीकेशन देते हैं, वो कलम ही नहीं चलाता। तहसीलदार भूलेख में एक भी नहीं है, कानोगा यहाँ पर एक भी नहीं है। जब अधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? युवा रोजगार मांगते हैं तो उनकी कमर पर यहाँ की सरकार जो है लाठियाँ बरसाती है, लेकिन नीचे अधिकारी नहीं है। आखिर ये कैसा शासन प्रशासन चल रहा है, कैसा विकास है? ये केवल किसान का विनाश है। किसान यहाँ का बड़ा भोला भाला था, उसने अपनी ज़मीन यहाँ विकास के लिए दी थी कि यहाँ विकास होगा, हमें रोज़गार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप नोएडा प्राधिकरण में घूम रहे हैं, जगह खाली हैं, कई हजार लोगों की जगह खाली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोकल जो लड़के हैं गांव में जो पढ़े लिखे हैं योग्यता के आधार पर, उन्हें कहीं भी यहाँ नौकरी नहीं दी जाती। उन्हें ये कह दिया जाता है आप लोकल हो, आपको यहाँ नौकरी नहीं है, आप यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ जाकर नौकरी करिए। कैसे नियम है? आखिर कहाँ योगी जी कहाँ सोए हुए हैं? केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। विकास करिए, विकास के नाम पर वोट लीजिए। और किसान को आप आय दुगनी की बात करते हो, 2022 चली गई है, 23 आ गई है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है। आप जो आज दिख रहा है कि केंद्र सरकार कह रही है हम किसानों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें आटा देंगे, अनाज फ्री देंगे, आप उन्हें शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे रहे? आप उन्हें चिकित्सा फ्री क्यों नहीं दे रहे? आप हमें जब जापान से कंपेयर कर रहे हो भारत को, जब अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो, तो जो वहाँ नीचे लोगों को जन सुविधाएं मिलती है, आप वो शिक्षा और चिकित्सा फ्री क्यों नहीं करते? क्यों हम लोगों के मुआवजे नहीं मिलते? 40-40, 45-45 वर्ष हो गए, कोर्ट का 2011 में आदेश आ गया इन्हें दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलता, सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ रिश्वत देते हैं। अगर आपने रिश्वत देकर बाहर कोई आवाज़ उठाई तो आपके खिलाफ जो है फिर कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए झूठे अपने ही जो पिट्ठू लोग होते हैं, जो फर्जी एप्लीकेशन यहाँ देते हैं, उनसे फर्जी एप्लीकेशन लेके आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। आप IGRS लिखें, ट्विटर पर शिकायत भेजें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप केवल IGRS पर दो बार उस पर अपील कर सकते हैं, लेकिन उस पर वही पुराना, एक महीने दो महीने बाद भी वही पुरानी रिपोर्ट उठाकर लगा दी जाती है। केवल बदलती है तो उसकी डेट, ना कि उसका जवाब। ये यहाँ की कार्यप्रणाली है और ये तब तक सही नहीं होगी तब तक यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा में आकर के किसानों से यहाँ प्राधिकरण में बैठ के उनके जो औद्योगिक मंत्री हैं, जो उनके सांसद और विधायक हैं, वो तब तक इस नोएडा प्राधिकरण में बैठकर यहाँ के किसानों की समस्या फेस टू फेस नहीं सुनेंगे तब तक समाधान नहीं होंगे। पूर्व की सरकारों में बहुत काम हुए, किसानों को प्लॉट मिले, लेकिन जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने में ये सक्षम नहीं है। ठीक है, तो नोएडा अथॉरिटी को लेकर लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और अभी भी बैठे हैं, ट्रांसफर है फिर भी उन्हें भेजा नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, पीड़ित किसानों के ऑडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारी शिकायतें, यहाँ पर उन्होंने धरना दिया है उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेखपाल की शिकायत लगातार यहाँ मिल रही है कि लेखपाल जो है वो धनुगाही करते हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? आप तो भारतीय किसान यूनियन से, आप किसानों के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए, आज भी जब हमें सूचना मिली कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पीड़ित लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, उसी बात को हम यहाँ रखने आए थे। एक जब ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ CEO बैठता है, यहाँ लेखपाल बैठता है। लेखपाल पहली CD है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है CEO को काम करने की, जैसे उनकी कलम चल सके। किसी भी काम में, किसी भी संस्थान में इनपुट देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आदमी इनपुट देगा उसी पर ऊपर वाला अधिकारी काम करेगा। सबसे बड़ी परेशानी इस नोएडा प्राधिकरण के अंदर है, अफसरशाही और लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा हो गई है। इनको जो रिपोर्ट देनी होती है मुख्यमंत्री के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, ये रिपोर्ट तो वो देंगे ना जो नीचे वाला कलम चला रहा है। भूलेख डिपार्टमेंट में पटवारी, जिसको लेखपाल बोला जाता है, वो पहली CD है जो रिपोर्ट बनाता है। उस आदमी का समन्वित होना, उस आदमी का ईमानदार होना, उस आदमी को सही इन्फॉर्मेशन देना इतना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो केवल इन पीड़ित किसानों को, इन पीड़ित लोगों को ही नहीं भरमा रहा है, लेकिन हायरार्की को भरमा रहा है। लेखपाल की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो धनुगाही करता है, रिश्वत के पैसे अपनी जेब में डालता है और आसानी से निकल जाता है? आसानी से इसलिए निकल जाता है कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल कह रहा, इनकी बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है इनके अंदर। वरना जो CEO हैं और एक कमिश्नर लेवल के अधिकारी को CEO बनाया जाता है, वो सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सी उनकी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, कौन सी बंधी हुई हैं, क्यों ना उनको सामान्य प्रशासन में भेज दें, क्यों ना उनकी नौकरी खत्म कर दें।
एक बात और मैं बता दूं, ये जो आम जनमानस है सीधा भूलेख डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करता है, जिसकी परेशानी होगी वो भूलेख या रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करेगा। इस डिपार्टमेंट को छोड़कर पहले यहाँ पे 8 तहसीलदार हुआ करते थे, उनकी संख्या है 0। नायब तहसीलदार उनके सपोर्ट में हुआ करते थे, उनकी संख्या है 0। लेखपाल 15 हुआ करते थे, वो लेखपाल गए 4। पूरे दिन जब भी आम जनमानस आएगा केवल एक बात बोलते हैं, जी हमें कोर्ट का काम है और कोर्ट का काम प्रायोरिटी से करना है, इसकी कोर्ट की रिपोर्ट बनानी है। केवल भूलेख डिपार्टमेंट जो जन सुनवाई का डिपार्टमेंट है, इसी में अधिकारियों की कमी है। आएंगे इंडस्ट्री की स्कीम निकालनी हो, रात को 24 घंटे इंडस्ट्री की स्कीम निकाल देंगे। कोई पूंजीपति आ जाए, G20 की कोई रिपोर्ट सबमिट हो, रात को G20 की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एक्चुअली सिनेरियो ऐसा बना दिया है कि आम लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, खास लोगों के लिए विंडो 24 घंटे खुली हुई है। प्राधिकरण केवल 8 घंटे के लिए खुलता है, 8 घंटे के बाद आम जनमानस के लिए बंद हो जाता है, फिर ये प्राधिकरण 4 घंटे फिर खास लोगों के लिए खुलता है, और फिर प्राधिकरण के सच मानिए रात के 10 बजे के बाद इनके घर खास लोगों के लिए खुल जाते हैं। इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ कलम नहीं चलाएंगे आगे, जनप्रतिनिधि यहाँ कलम नहीं चलाएंगे आगे। अगर सरकार को कह रहे हैं अगर यही ढर्रा रहा तो आम जनमानस की आवाज़ एक ब्लास्ट के रूप में जाएगी। और लोग जैसे ये भाई खड़े थे अपनी दो छोटी छोटी बिटियों को, जहाँ स्कूल में होना चाहिए, इनका प्लॉट शिफ्ट हो गया, उन्होंने सहयोग किया इस शहर के विकास में। अगर ये अपना घर ना हटवा दे तो FNG ना बनता। जब इन्होंने रजिस्ट्री इनसे ले लिए तो क्या इनके घर का भूखंड का संख्या देने में इनको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो आदमी जलने के लिए तैयार है, आत्महत्या के लिए तैयार है, धरना देने के तैयार है, दो बेटियों को लेकर खड़ा, त्यौहार का दिन है, इनकी बीवी अस्पताल में पीड़ित है। तो देखिए कभी भी शासक को अपनी प्रजा की अंतिम छोर का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा, मैं ऐसी बात CEO पे अप्लाई करता हूँ, आप नए आए हैं, आप अभी 20 दिन पहले सर्कुलर जारी हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का कि 3 दिन के अंदर फाइल को आपको अपने टेबल से हटा के दूसरे टेबल पे भेज दिया जाता है। इन्होंने इकट्ठा करना होता है और इकट्ठा करके क्वेरी वार्ता लिख के दोबारा उसको नीचे डीरूट कर दिया जाता है। फाइल चलने का सिस्टम बॉटम टू टॉप जाता है, ये नहीं कि आपने 3 दिन यहाँ रखी, 15 दिन यहाँ रखी, 15 दिन, और जहाँ काम वाना हो ना फिर उसको दोबारा रीरूट करके आप नई रिपोर्ट के लिए लेके जाते हैं। जहाँ तक इस भ्रष्ट ये जो लेखपाल है, इससे केवल ये लोग नहीं, इससे पूरे 81 गांव के किसान इतने ज़्यादा पीड़ित हैं। उस आदमी को, इतना एडामेंट आदमी है, उसको हर रिसोर्स का पता है, कहाँ अवैध पानी का प्लांट चलाना है, कहाँ अवैध मंडी लगवानी है। शह मिल रही है ना चारों तरफ से? शह क्या है? शह कुछ नहीं होती, मॉनिटरी मनी है, कोई शह नहीं है। क्लियर कट बोल रहे हैं, पैसे लेता है, भ्रष्टाचार करता है। इसने कहाँ से मिट्टी उठवानी है? सेक्टर 93 में ओमेक्स ग्रांड के सामने से, कहाँ एलडीगो के सामने 50 इसको मंडी लगवानी है। और ऐसी एक नहीं, 100 जगह ऐसी है जहाँ भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है। और एस वर्क सर्किल से लेकर, JEE से लेकर, भूलेख से लेकर, इन्होंने जो नीचे के जितने भी सारे अधिकारी हैं, एक नेक्सस बन गया, कंप्लीट नेक्सस है, तोड़ना पड़ेगा। CEO साहब को, मैडम चली गई 4 साल यहाँ पे काम करके, कि 3 साल चली गई। आपको केवल किसी संस्था का मालिक बने रहने से नहीं, आपको उसके मुद्दों का पता होना और लास्ट माइल से कनेक्ट होना पड़ेगा, वरना ये समस्या बढ़ेगी। और ये लोगों का एक दिन हुजूम, 120 दिन धरना चला लगातार, यहाँ पे 10,000 लोग बैठ के गए हैं, और हम आपके माध्यम से बता रहे हैं अगर 50,000 लोगों की जरूरत भी पड़ी तो लोग त्रस्त हैं। हमें फिर ये लोग पॉलिटिक्स ढूंढते हैं कि ये किसान नेता कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम आम जनमानस की आवाज़ उठा रहे हैं। हम किसी को कनेक्ट नहीं करते, हम किसी को पैसा धन नहीं देते। कहते इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे आ जाते हैं, वो बहन खड़ी हैं, छोटी छोटी बेटियाँ खड़ी हैं हमारी, ऐसे आ जाते हैं। तो आप ग्राउंड लेवल पे आओ, ग्रास रूट लेवल पे काम करो, और ऐसे अधिकारियों को या तो सामान्य प्रशासन में भेज दें, इनकी नौकरी खत्म हो जाए तो उससे बेहतर होगा। क्योंकि अगर इनकी जांच कराओगे तो ऑलरेडी ये 25-25, 50-50 करोड़ के पटवारी हैं। 25 करोड़ 50 करोड़ एक लेखपाल के लिए? मैडम बहुत कम अमाउंट बोल दिया है मैंने। अगर आप मुझे कोई इसमें कोई एजेंसी, हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी के पीछे जाके हम, क्योंकि देश में सिविक बॉडीज हैं, उनका काम है, इनकी क्यों नहीं आप जाँच कराते हैं? इनकी प्रॉब्लम्स हैं, और किसी भी आदमी को, एक बड़ा हो, ये बिटिया छोटी है, वो अम्मा खड़ी हैं, बड़ा हो बूढ़ा हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही राह से चलते हैं, एक ही दिमाग से सोचते हैं, दिमाग का जो माला, आदमी ऑफिसर, आदमी 50% 90% अपना काम करता है रूटीन का काम, 10% उसका जब भी उसके दिमाग से आम आदमी की बातें, आम आदमी के विचार निकल जाएंगे तो वो 100% भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। 10% भी काम अगर ये जनहित का कर दें तो 90% काम पे उंगली ना उठे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। और CEO महोदय वहाँ ऊपर बैठ के केवल इंस्ट्रक्शन पास कर देते हैं, और अभी वो भी सिस्टम समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको भी केवल G20 दिखेगा, उनको भी 165 में इंडस्ट्री दिखेगी, नई ग्रुप हाउसिंग दिखेगी, जिस शहर का AQI अब 500 चल रहा है, और जहाँ पे डेंसिटी एक
पर स्क्वायर मीटर में जहाँ पे 50 लोग होने चाहिए वो ऑलरेडी 500 लोग है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सब कुछ सारा खेल चल रहा है। आप बस आंखें बंद करके बैठे हो और पूरा खेल देख रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री आनी चाहिए, ग्रुप हाउसिंग आने चाहिए और लोग यहाँ आने चाहिए नहीं आए। 500 इकाइयों में हम खड़े हैं, 1000 हो जाएगा क्या होता है, आदमी आएगा पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन केवल खास आदमी के लिए, सब कुछ कलप्स है यहाँ पे आम आदमी के लिए। बाबा बरौला से आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ अथॉरिटी में? सर 5% रुपए लौटने लगा रहे हैं। हम बरौला के निवासी हैं, हाजीपुर में जमीन है, पैसा मांगे कौन से दे में पैसा, जूती टूट के हमारे जूती में ना हो, शिवर वही ना गिरवा सके, दुनिया में शिवर पड़ गई, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। और मैं उनसे मुख्यमंत्री महोदय से बोलूंगा एक दिन के लिए तो आ जाएं और देखिए क्या हजूम आता करें, 1,00,000 किसान आपको यहाँ बैठा ना मिले, बहुत जगह नहीं मिलेगी, बहुत परेशानी है, पब्लिक परेशान। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या नहीं, वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। एक बार योगी जी से बोलिए यहाँ पर आके जनता दरबार लगाएं, जब पता चलेगा कितने पीड़ित लोग हैं। जन सुनवाई के लिए जिलाधिकारी को बोला गया कि जिलाधिकारी हर महीने जन सुनवाई लगाएगा और यहाँ पर जो भी समस्या सुनवाई, क्या वो यहाँ नहीं होती है? मैम योगी जी वहाँ पर लेते हैं दरबार, जनता दरबार गोरखपुर में लेते हैं, लखनऊ में लेते हैं, एक बार यहाँ पर आके खड़े तो हो जाए, यहाँ ना हजूम लग जाए फिर नाम बदल दीजिएगा। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ समस्या एक ही है, अपनी जमीन को लेकर कुछ किसान है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जमीन जो है चली गई है, उन्हें जमीन नहीं मिल रही है। तो मांग एक ही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ एक बार नोएडा में जनता दरबार लगाए ताकि जो समस्या है वो उनकी सामने रख सके। उनका कहना है कि हुजूम यहाँ पर उमड़ जाएगा क्योंकि अथॉरिटी में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, इस तरह के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद किस तरह का एक्शन इस पूरे मामले पे होता है। ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।